खबर विदिशा से है, जहां खेल स्टेडियम में एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस और सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए एथलेटिक्स की बजाय ताइक्वांडो के प्रशिक्षक को यहां कोच बनाया जा रहा है, जो कि नियमानुसार गलत है। जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी ने कहा कि इस कार्य के लिए BPAED यानी MED एथलेटिक्स के प्रशिक्षक को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके तहत ही उन्होंने भूपेंद्र शर्मा, जो कि एथलेटिक्स ना होकर अन्य विषय के विशेषज्ञ हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी ना देने की मांग की है। ये क्या है, स्टेडियम में, जिला खेल स्टेडियम में श्री भूपेंद्र शर्मा जो है ना ताई कमांडो के कोच है, कराटे के कोच है, उनको एथलेटिक्स का प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, हमें ज्ञात हुआ कि उनको एथलेटिक्स का अगर प्रभारी बना दिया जाता है तो एथलेटिक्स यूसीएन के जो हमारे कोचेस हैं, जो MPED BPED BPS एथलेटिक्स के कोचेस प्रशिक्षण देते तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब अदर गेम वाला अगर एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कराएगा तो एथलेटिक्स वाले की कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो हमारा माननीय कलेक्टर साहब से यही निवेदन था कि अदर गेम वाले को एथलेटिक्स का प्रभारी नियुक्त न किया जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में जो अभी तक हमारे पदाधिकारी कोचेज हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही लोग कोचिंग देते रहे, हमें दूसरे को कोचिंग के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाए।